हेलो दोस्तों, कैसे? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। और आज इस सेशन में आपके लिए लेके लौटे हैं दोस्तों जो महत्वपूर्ण नियुक्ति है ना दोस्तों, कौन कौन से पद पे कौन कौन से अधिकारी हैं। और अभी अभी जो फिलहाल 2024 के अंदर और 2023 लास्ट के अंदर जो नियुक्तियाँ की गई है दोस्तों, वो मैं आपको जो इस वीडियो के अंदर कम्प्लीट करवाने वाला हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और अपना पहला क्वेश्चन है दोस्तों, रेलवे बोर्ड की जो महिला अध्यक्ष है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये पहली महिला अध्यक्ष है दोस्तों, और ये जय वर्मा सिन्हा जो है, ये पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ जो है रेलवे बोर्ड की बनी है। अभी अभी सितंबर के अंदर इनकी नियुक्ति की गई है, लगभग 6 सितंबर को इनकी नियुक्ति हुई थी दोस्तों। ये पहली है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। चलो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। रेलवे बोर्ड की स्थापना के बारे में आपको सबको पता ही होगा, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय रेलवे मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष कौन बने, ठीक है, तो जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव, ठीक है दोस्तों। जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के जो अध्यक्ष है वो बने, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन है, ठीक है दोस्तों। भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन है, उप प्रमुख ध्यान रखना, पोस्ट एग्जाम के अंदर UKIU पूछता है, तो ये है वाइस एडमिरल तरुण सोबती, ठीक है दोस्तों। ये आपको पिक भी देख पा रहे होंगे पिक ऑफ। और चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और सीमा सड़क संगठन BRO के 28वें महानिदेशक, ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन काफ़ी आता है। और सीमा सड़क संगठन जो BRO है अपने, रघु श्रीनिवासन है, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन जो है एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, और पूछा भी जो है पिछले पेपर के अंदर एक बार पूछा भी गया है क्वेश्चन को, ठीक है। और फिर नेक्स्ट में बात करूँ दोस्तों, तो BRO जो है उसकी स्थापना 1960 में की गई थी, मुख्यालय वही नई दिल्ली के अंदर है, अगर आप ये जानना चाहो तो देख सकते हो, ठीक है। पाँचवें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो रिसर्च एंड एनालिटिक्स विंग के नए प्रमुख कौन बने, ठीक है, रो के हिसाब से इसको पूछता है, दोनों नाम याद रखना आपको, ये भी दे सकता है और ये पूरा नाम भी दे सकता है, ठीक है एग्जामिनर, तो रवि सिन्हा, ठीक है। ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, 2 दशकों से मतलब लगभग 20 साल से यही पोस्टेड है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ दोस्तों, अगर वीडियो पे आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जो भी करंट अफेयर्स हैं आने वाली एग्जामिनेशन जैसे SSC GD है और UP पुलिस है, इसके अलावा ICR है, या फिर कोई भी जो एग्जाम है उनके अंदर आपको जो है करंट अफेयर्स से रिलेटेड जहाँ भी क्वेश्चन मिलेगा तो यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, तो बने रहना वीडियो के अंदर। चलो रोक के बारे में आपको मैं बता दूँ, 1968 में जो इसकी स्थापना होती है नई दिल्ली में मुख्यालय, ठीक है दोस्तों, अगर आपके लिए इम्पोर्टेंट है ये भी आप देख सकते हो, याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो रेलवे सुरक्षा बल, ठीक है, RPF के नए महानिदेशक कौन है, ठीक है, RPF, तो इसके हैं मनोज यादव, ठीक है। और एक क्वेश्चन मेरी तरफ से आपके लिए, जो RPF है इसका हेल्पलाइन नंबर क्या है, ये आप मुझे कमेंट करके बताना दोस्तों, RPF जो है इसका हेल्पलाइन नंबर क्या है दोस्तों। ये क्वेश्चन पूछा भी गया और इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी अभी चेंज हुआ है, ठीक है, RPF का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान FTII के नए अध्यक्ष कौन बने दोस्तों, तो R माधवन, ठीक है, R माधवन जो है अभी अभी इसके अध्यक्ष बने हैं, इनकी नियुक्ति अभी जो है नवंबर 2023 के अंदर की गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ उस हिसाब से, इससे पहले अपन थोड़ा जान लेते हैं, 1960 में इसकी स्थापना होती है, इसका मुख्यालय पुणे महाराष्ट्र में, ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, भारत के सोलिसिटर जनरल, ठीक है, सोलिसिटर जनरल जो है तुषार मेहता जी है दोस्तों, देख पा रहे होंगे आप, तुषार मेहता जी जो है सोलिसिटर जनरल है। और इसके बारे में अगर थोड़ा मैं बताऊं, सोलिसिटर जनरल कौन होता है, ठीक है, आपको भी क्वेश्चन नया लग रहा होगा लेकिन क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। भारत के लिए सोलिसिटर जनरल देश का दूसरा कानून अधिकारी होता है, जो अटोर्नी जनरल की सहायता से या फिर उसकी सहायता करता है, ठीक है, हेल्पर होता है अटोर्नी जनरल। अटोर्नी जनरल तो आप सब जानते होंगे दोस्तों, पॉलिटिक्स में आपने काफ़ी ज़्यादा पढ़ा होगा। चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ दोस्तों, भारतीय तटरक्षक बल ICG के 25वें महानिदेशक कौन है, ठीक है, अभी जो है 25वें महानिदेशक बने, तो ये कौन है, राकेश पाल जो है तटरक्षक बल ICG के 25वें महानिदेशक बने, फोटो आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, और नाम याद रखना राकेश पाल, ठीक है। फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर अपने सामने जो 10वां है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI, ठीक है, जो CBI है उसके निदेशक कौन है, निदेशक पूछा है दोस्तों, यहाँ ध्यान देना, यहाँ ध्यान देने वाली बात है निदेशक, ठीक है, यहाँ पोस्ट अलग हो जाती है महानिदेशक और निदेशक के अंदर, तो ये प्रवीण सूद है, ठीक है, CBI में प्रवीण, तो इसको याद रखने के लिए भी मैं बता दूँ, CBI में वही लोग होते हैं जो बिल्कुल हर काम में प्रवीण होते हैं, दक्ष होते हैं, ठीक है,
प्रवीण होते दक्ष होते से याद रह जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन काफी बार आया है, सीजीएल में भी आया कई बार और क्वेश्चन रिपीट होता रहता है। ठीक है, ये याद रखने लायक है। फिर नेक्स्ट में बात करो दोस्तों, तो सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के महानिदेशक कौन बने? तो नितिन अग्रवाल जी जो है अभी अभी चेंज हुए हैं, ठीक है, बीएसएफ के महानिदेशक बने। और ये मुझे बताना बीएसएफ की स्थापना कब हुई थी और हाल ही में बीएसएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस बनाया था। ठीक है, ये आप क्वेश्चन मुझे कमेंट करके बताना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, भारत के नए कानून मंत्री कौन बने? तो अर्जुन राम मेघवाल, ठीक है, कानून मंत्री, ठीक है, पॉलिटिक्स से रिलेटेड है अर्जुन राम मेघवाल जी, आपने नाम सुना होगा काफी, कानून मंत्री है भारत के। और नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने? नीति आयोग दोस्तों के सीईओ कौन बने? तो बीवीआर सुब्रमण्यम। ध्यान रखना यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उस पर ध्यान दे के बाद में आपको आंसर क्लिक करना है। बीवीआर सुब्रमण्यम जो है वो नीति आयोग के नए सीईओ बने। नीति आयोग की स्थापना 1915 के अंदर की थी और इससे पहले योजना आयोग था या फिर योजनाएं जो पंचवर्षीय योजनाएं थी वो आया करती थी, उसकी जगह पर नीति आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है, और अध्यक्ष इसके प्रधानमंत्री जी रहते हैं अभी, सिर्फ अभी जो फिलहाल है नरेंद्र मोदी जी इसके अध्यक्ष हैं। फिर बात करूं भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीवीसी, ठीक है, तो सीवीसी है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ठीक है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है भारत के 14वें निदेशक कौन बने? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कौन से हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि निदेशक अभी फिलहाल चेंज हुए हैं तो ये पूछ सकते हैं करंट के हिसाब से। तो विवेक बसीन जो है वो भारत जो है उसके 14वें निदेशक के रूप में इन्होंने अभी शपथ ग्रहण किया है। फिर मैं बात करूँ भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस, आपको लगभग पता ही होगा और ये दूसरे हैं, यहाँ से क्वेश्चन ये उठता है, ये दूसरे सीडीएस हैं। ठीक है, सेकेंड है, ठीक है, सेकंड नंबर के हैं और अनिल चौहान जी। उसके बाद नेक्स्ट में बात करूं दोस्तों तो भारतीय राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा जी जो है अभी है वर्तमान में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? ठीक है, तो ये है रवनीत कौर, रवनीत कौर जी जो है वो बनी है प्रतिस्पर्धा जो आयोग है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की जो है अध्यक्ष अभी अभी बनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो स्वामीनाथन जानकी रमन को जो है किया गया। और गवर्नर जो है फिलहाल कौन है ये आप कमेंट करके बताना, इसके साथ ही मुझे बताना जो आरबीआई की स्थापना थी कौन से एक्ट के तहत की गई थी। ठीक है, और 1935 में की गई थी ये मैं आपको बता रहा हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ दोस्तों तो भारतीय भूवैज्ञानिक संरक्षण जीएसआई के नए महानिदेशक कौन है? ठीक है, तो जनार्दन प्रसाद जी जो है भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक के रूप में इन्होंने शपथ लिया है। ठीक है, भारत के नए महान्यायवादी अटोर्नी जनरल जो है कौन है? तो आर वेंकट रमण जी है। ये क्वेश्चन तो खैर पहले से ही है, ये तो फिक्स है, मतलब काफ़ी पहले से बने हुए हैं तो आपको पता होगा ऑलरेडी, पर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पॉलिटिक्स में आपने पढ़ा भी होगा। फिर आता है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के महानिदेशक कौन है? तो सत्यनारायण प्रधान। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अभी अभी जो है ये इन्होंने शपथ लिया है और अभी अभी ये बने, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सत्यनारायण प्रधान जी, नाम याद रखना इनका दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन है? और ये क्वेश्चन मैं आपके सामने पहले रख देता हूँ, 1982 के अंदर इनकी जो है स्थापना हुई थी। नाबार्ड का जो मुख्यालय है ना दोस्तों वो बता देना एक बार कहाँ पर है। और इसके जो अभी अभी अध्यक्ष बने वो बने केवी साजी, ठीक है, केवी साजी ने इनके जो अध्यक्ष के पद के ऊपर पद ग्रहण किया है दोस्तों, नाबार्ड का जो अध्यक्ष है, नाबार्ड के जो अध्यक्ष है केवी साजी हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं दोस्तों तो भारत के नए औषधि महानियंत्रक डीसीजीआई कौन बने हैं? ठीक है, तो राजीव सिंह रघुवंशी जो है वो औषधि महानियंत्रक के रूप में इन्होंने पद ग्रहण किया है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूँ तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के नए अध्यक्ष कौन है? डीआरडीओ, यहाँ से क्वेश्चन जरूर इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, समीर वी कामत। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं इसी के साथ में दोस्तों, और मैं एक बार फिर से कह देता हूँ अगर आप चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, और जो भी अपडेट्स वगैरह आए या फिर करंट अफेयर्स से रिलेटेड वो सारे जो मेन टॉपिक्स है जो एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं हम इस सीरीज़ के अंदर जो है सारे कंप्लीट करवाने वाले हैं वीडियो के हिसाब से एक एक, तो आप इस हिसाब से बने रहना। और चलो 26 नंबर का क्वेश्चन है भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति जी, तो ये तो पता ही आपको और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन आ भी गया है। और किस जनजाति से हैं और कौन से राज्य से बिलोंग करती है, ये क्वेश्चन का जवाब जो है मुझे आप कमेंट में देना, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ। फिर चलो बात करता हूँ
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने? तो ये अरुण कुमार मिश्रा जी, ठीक है। अरुण कुमार मिश्रा जी जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के क्या बने? नए अध्यक्ष बने, ठीक है। ये आप देख पा रहे होंगे, अरुण कुमार मिश्रा जी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करता हूँ दोस्तों, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार जी है, और ये कौन से नंबर के हैं? 25 नंबर के चुनाव आयुक्त है, ठीक है, राजीव कुमार जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ दोस्तों, तो भारतीय थल सेना के प्रमुख कौन बने? तो मनोज पांडे जी। चेंज होते रहते हैं दोस्तों, ये ध्यान रखना, करंट के हिसाब से है, मैंने चेंज किया, पूरा अपडेट करके आपको ये बता रहा हूँ, तो ये ध्यान रखना मनोज पांडे जी है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन में पहले वाले भी दिए होते हैं, तो आप कन्फ्यूज होकर पहले वाले गलत मत करना। फिर आता भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के अध्यक्ष कौन बने? ठीक है, तो माधवीपुरी बुच, ठीक है, माधवीपुरी बुच। और मैं आपको बता दूं, सेबी की स्थापना 1988 के अंदर की गई थी, ठीक है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं दोस्तों, तो केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड सिबिक के नए अध्यक्ष कौन बने? तो संजय कुमार अग्रवाल जी, ठीक है, संजय कुमार अग्रवाल जी जो है सिबिक के नए अध्यक्ष बने हैं। फिर अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए CEO उड़ाई, ठीक है, आपने देखा होगा आधार कार्ड जो होता है इसी डिपार्टमेंट के थ्रू जो है यहाँ से दिया जाता है, तो अमित अग्रवाल जी जो है इसके नए अध्यक्ष बने, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों बात करता हूँ, तो भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा भी गया है दोस्तों, अभी अभी दिल्ली पुलिस के एक शिफ्ट में पूछा गया था फिक्की, तो सुबरकांत पांडा, ठीक है, बोलने में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, सुबरकांत पांडा जी जो है वो फिक्की के नए अध्यक्ष बने हैं, ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, तो भारत के 50वें न्यायाधीश कौन है? ठीक है, न्यायाधीश तो चंद्रचूड़ जी है, और ये क्वेश्चन जरूर आपके सामने आएगा, और कन्फ्यूज करने के लिए इसमें पहले वाले जो है उनका नाम देगा, ठीक है, 49 नंबर के जो अपने न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश, उनका नाम दे देगा, तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे, लेकिन फिलहाल ये है, ठीक है, यहाँ से चंद्रचूड़ जी से आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष कौन है? तो एस सोमनाथन है, ये काफ़ी टाइम से अभी चर्चा में भी रहे थे, जैसे ही चंद्रयान 3 ने जो है अपना सफलतापूर्वक लैंडिंग किया, तो उसके दौरान भी जो इन्होंने मतलब काफ़ी ज़्यादा इनका योगदान भी और काफ़ी चर्चा में, तो पूछा जा सकता है क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ दोस्तों, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के नए अध्यक्ष कौन बने? तो रोजर बिन्नी, ठीक है, और ये कमेंट करके आप मुझे बताना दोस्तों, ये रोजर बिन्नी जो है कौन से देश के हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, तो भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो PT Usha, एथलीट है दोस्तों PT Usha, और ये मुझे बताना कौन से राज्य से बिलोंग करती है PT Usha, ठीक है, और एथलीट में कौन है? तो मैं ये बता देता हूं आपको, ये धावक है, PT Usha क्या है? धावक है, रनिंग करती है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, तो ये है सशस्त्र सीमा बल SSB की नई महानिदेशक कौन है? तो रश्मि शुक्ला जी जो है SSB की महानिदेशक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं दोस्तों, तो राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA के नए महानिदेशक कौन बने? सुबोध कुमार, ठीक है, सुबोध कुमार जी जो है राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी की क्या बने? महानिदेशक बने। फिर 40 नंबर के क्वेश्चन की मैं बात करूँ, पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के नए मंत्री कौन बने? तो किरण रिजिजू, ठीक है, किरण रिजिजू जो है वो पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के नए मंत्री बने दोस्तों। और अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया दोस्तों, लाइक कर लो, नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा हम आपके लिए लेके आते हैं, काफ़ी मेहनत लगती है, तो प्लीज़ इतना सपोर्ट तो आप कर सकते हो। चलो नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं, 41 नंबर का क्वेश्चन, भारत के नए लेखा महानियंत्रक, महालेखा नियंत्रक या फिर लेखा महानियंत्रक होता है CGA, ठीक है, तो ये होता है SS दुबे। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अभी अभी चेंज हुए हैं, ठीक है, SS दुबे जी जो है वो CGA है अभी अपने भारत के फिलहाल। फिर संघ लोक सेवा आयोग UPSC के नए अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर मनोज सोनी, ठीक है, डॉक्टर मनोज सोनी जो है लोक सेवा आयोग की क्या है अभी अभी अध्यक्ष है फिलहाल। और फिर नेक्स्ट में बात करता हूँ, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के नए अध्यक्ष कौन है? तो नितिन गुप्ता जी क्या है? CBDT के नए अध्यक्ष है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ दोस्तों आपके सामने, तो परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने? तो अजीत कुमार मोहंती जी क्या है? परमाणु ऊर्जा आयोग, ठीक है, इसके अध्यक्ष बने हैं। फिर अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं दोस्तों, हॉकी इंडिया के हाल ही में जो है नए अध्यक्ष बने, हॉकी इंडिया के दिलीप तिर्की, ठीक है, दिलीप तिर्की जो है क्या है, हॉकी इंडिया के अध्यक्ष बने हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें दोस्तों, तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के नए अध्यक्ष कौन बने? तो संतोष कुमार यादव, जो राजमार्ग प्राधिकरण है NHAI, संतोष कुमार
यादव जी जो है क्या बने, उसके अध्यक्ष बने, ठीक है। फिर मैं अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने, तो न्यायमूर्ति रिज्जू राज अवस्थी, न्यायमूर्ति रिज्जू राज अवस्थी जी जो है क्या बने अपने 22वें जो विधि आयोग है उसके अध्यक्ष बने, न्यायमूर्ति रिज्जू राज अवस्थी। फिर अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 48 नंबर की, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग नेशनल स्टेटिकल कमीशन जो है उनके अध्यक्ष कौन बने, तो राजीव लक्ष्मण करंदीकर। दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये अभी अभी चेंज हुए थे दिसंबर 2023 के अंदर, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है नेक्स्ट जो भी एग्जाम है, यूपी पुलिस है या फिर एसएससी जीडी है या फिर बैंकिंग से रिलेटेड कोई एग्जाम हो तो उनमें जरूर पूछा जा सकता है आपके आने वाले पेपर में, ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ दोस्तों तो भारत के नए रक्षा सचिव कौन बने, अरमानी गिरिधर। रक्षा सचिव डिफेंस सेक्रेटरी जो है वो कौन बने, अरमानी गिरिधर, ठीक है, नाम बिल्कुल याद रखना, पूछा जा सकता है, एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस वीडियो में मैंने वही क्वेश्चन डाले हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड है, ठीक है दोस्तों। फिर आता भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कौन है, तो यह है गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है। के कौन है दोस्तों, अभी जो पहले आपने देखा था वो CGA था, ठीक है, CGA, और ये CAGA, यहाँ हमेशा कन्फ्यूजन बना रहता है और वो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पहले से है और वो अभी भी चेंज हुआ पद, ठीक है, CGA का जो पद है अभी भी चेंज हुआ, तो वो भी इंपॉर्टेंट है और ये भी है, तो यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू जो है के गए और बाकी वो जो थे वो CGA थे, ठीक है। फिर मैं बात करूँ 51 नंबर के क्वेश्चन की, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP के नए महानिदेशक कौन बने हैं, तो अनिश दयाल सिंह, ठीक है, अनिश दयाल सिंह जी जो है ये अभी अभी इन्होंने पद ग्रहण किया, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और सेनाएं जो होती है इनके लगभग पूछते रहते हैं पद वगैरह, आर्मी वगैरह एयरफोर्स वगैरह इनके भी पूछते रहते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताऊँ, ITBP भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल है, स्थापना इसकी 24 अक्टूबर 1962 को हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है, ठीक है, ITBP जो तिब्बत की तरफ वहाँ पे ड्यूटी वगैरह करती है दोस्तों। फिर मैं बात करूँ 52 नंबर के क्वेश्चन की, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के नए अध्यक्ष कौन बने, तो SM जगदीश कुमार जी, ठीक है। UGC जो है सभी यूनिवर्सिटीज जो इसके अंडर में काम करती है, तो इसके नए अध्यक्ष कौन बने, एम जगदीश कुमार जी, ठीक है दोस्तों। और फिर नेक्स्ट की मैं बात करूँ, एक बार UGC के बारे में बात कर लेता हूँ दोस्तों, स्थापना 1956 के अंदर हुई थी, मुख्यालय इसका नई दिल्ली के अंदर है, ठीक है दोस्तों। चलो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगर आपको इंपॉर्टेंट लगता है चीज़ें और अच्छा लगा है तो लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो दोस्तों, हाई स्टडी चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाले टाइम में जो भी पेपर होने वाले उनसे रिलेटेड जो भी GK से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं ना दोस्तों, जो मेन टॉपिक्स है जहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनता ही बनता है, वो टॉपिक सारे मैं इस पर कवर करवाने वाला हूँ दोस्तों, तो बने रहिएगा हमारे साथ। और फिलहाल आप आज की वीडियो में इतना ही, अगर आपने फिर से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। चलो दोस्तों, थैंक यू सो मच।